हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल हम और हमारा हिमाचल। और कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। और आज है शुक्रवार और देखिए शुक्रवार सुबह सुबह कितने बादल हैं आसमान पर और बारिश होने वाली है। और आज ना हम फिर गए थे यहाँ पड़ोस में, एक गणपति जी की स्थापना की गई एक परिवार में, तो वहीं गए थे हम गणपति जी के दर्शन करने। और साथ में फिर उनके कीर्तन था आज शाम को, तो फिर हम लोग बनाने गए थे मोदक, क्योंकि उन्होंने प्रसाद में सबको मोदक देने होते हैं तो उसके लिए बनाते हैं हम, हर साल ही बनाते हैं मोदक, तो वो बनाने गए थे हम सुबह के टाइम 11 की बजे गए थे हम। तो ये हैं गणपति जी के दर्शन कर लीजिए आप पहले, और उनके मंदिर के दर्शन कर लीजिए। देखिए उन्होंने मंदिर कैसे कैसे सजाया है, ये है उनका मंदिर। और फिर उसके बाद बताऊंगी कि कैसे बनाए थे हमने मोदक। तो चलिए पहले आप भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए ये हैं गणपति जी, ये 7-8 दिन के लिए रखेंगे, उसके बाद फिर इनको विसर्जन कर देते हैं। हर साल ही रखते हैं ये, हर साल ही बुलाते हैं गणपति जी को और फिर विसर्जन कर देंगे ये कीर्तन करने के बाद। तो ये देखिए फिर ये जो आटा जो वो तैयार किया जा रहा है उसके लिए, मोदक के लिए आटा नहीं है, ये है मैदा रिफाइंड और पानी, ल्यूक वॉर्म पानी लेके, मतलब ज़्यादा गर्म ना हो, हल्का सा गर्म पानी लेके इसको गूंदा जाता है और थोड़ा टाइट आटा रखा जाता है इसके लिए, और रिफाइंड मोइन डाला जाता है इसमें, रिफाइंड या डाल लो या घी डाल लो तो वो डाला जाता है, और थोड़ा हार्ड सा आटा रखना पड़ता है इसके लिए। तो ये देखिए यही वही आटा बनाया जा रहा है यहाँ पर। और इसके बाद ये देखिए ये हो गया आटा हमारा, अभी थोड़ा सा इसको और गूंदना है थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स जो इसमें अंदर भरेंगे ना, जो मसाला तैयार किया जाता जाएगा ड्राई फ्रूट्स का, इसके अंदर भरने के लिए ब्राह्मण के लिए जो तैयार की जाती है पिट्ठी जिसको बोलते हैं, उसी के लिए ड्राई फ्रूट्स काटे जा रहे हैं। और ये बनाया अच्छा। जा रहा है उसका ब्राह्मण जो पिट्ठी तैयार की जा रही है इसकी, ठीक है भाई। इसमें बादाम है, दाख है, काजू है, गरी है, तिल, शक्कर, अखरोट, खोआ। और ये हम लोग 4-5 लोग जो हम लोग हर साल आते हैं ना मोदक बनाने के लिए, वही हैं हम लोग ही बनाते हैं हर साल ही, तो हमारे को पता होता है कि मोदक बनाने हैं, गणपति जी रखे हैं तो मोदक बनाने हैं, तो बता देते हैं ये कि किस दिन आना है, तो उसी दिन हम चले जाते हैं फिर। तो वही हम लोग 4-5 लोग आए थे यहाँ पर। और ये देखिए ये सभी गांव के, यहाँ आसपास के लोग हैं, पड़ोस में ही हैं ये, तो आसपास के लोग हैं। और ये देखिए ये तैयारी हो रही है अभी मोदक बनाने की। साथ साथ में इनका घर भी दिखा रही हूँ मैं आपको। वो चलिए बस अभी बना रहे हैं हम ये मोदक। देखिए चकला बेलन ले लेंगे और छोटे छोटे जो इसके पेड़े करते हैं पहले आटे के, छोटे छोटे पेड़े करेंगे और घी लगा के फिर इसको बेल लेंगे चकले में, और घी रिफाइंड लेके, घी ले लो या रिफाइंड ले लो। वो ये देखिए छोटी छोटी पूरियाँ बना ली हमने, और इसके अंदर भरेंगे फिर ये जो हमने पिट्ठी बनाई थी इसको भरने के लिए, ये देखिए ऐसे भर देंगे। और ये बन गए फिर हमारे, ये बन गए थे हमारे मोदक। और ये सबको देने होते हैं, उन्होंने जो भी कीर्तन में लोग आएंगे ना सबको देंगे प्रसाद के रूप में, तो ज़्यादा बनाने होते हैं। तो ये है, ये बन गए थे हमारे मोदक। और ये देखिए बस फिर अभी इसके बाद ये तल लेंगे इनको सबको, और फिर तलने के बाद हो जाएंगे हमारे मोदक तैयार। और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं ये, क्योंकि इसके अंदर जो मतलब वो ड्राई फ्रूट्स का ही बना होता है ना सब कुछ, जो सारे ड्राई फ्रूट्स डाले होते हैं, तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और ये देखिए ये हो गए थे फिर हमारे मोदक तैयार। कई तरीके होते हैं, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं मोदक,
लेकिन हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं। हेलो, कैसे हैं जी सभी लोग? तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। हम लोग ना ऐसे ही बनाते हैं, अपना अपना तरीका होता है सभी का मोदक बनाने का, पर हम लोग ऐसे ही बनाते हैं हर साल ही। तो चलिए फिर इसके साथ ही करती हूँ मैं आज के ब्लॉग के एंडिंग। कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।